जिसे देख रहे हैं दोस्तों, खाप मुट्ठी किस तरह से लगाया जाता है, लगाने का तरीका देख लीजिए, इसे आप सीख पाएंगे। ये खाप मुट्ठी किस तरह से लगाया जाता है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दराज में खाप मुट्ठी लगा रहे हैं, लगाने का तरीका जैसे से इसको हम ये नट से लेके ये नट का दूरी हम नाप लेंगे, 4 इंची आ रहा है इस तरह से इंची, तो यहाँ से हमको 4 इंची डाल मारना है। उसके बाद यहाँ से हमको नापना है कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 22 इंची 6 सूतन, इसका आधा कर लेंगे हम, 11 इंची 3 सूता पे दाग मार लेंगे। उसके बाद ये जो है 4 इंची, फिर यहाँ से हम 4 इंची पे दाग मार लेंगे। अब देख लेंगे दोनों साइड बराबर हो चुका है कि नहीं। 11 इंची 3 सूता देख सकते हैं, यहाँ पे भी 11 इंची 3 सूता देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप 1.5 इंची 3.5 सूता इसका मोटाई है। इधर से हम उस तरह से मारेंगे जिस तरह से इधर मार चुके हैं, इधर से हमको 2 इंची छोड़ के ये खाप मुट्ठी इस तरह से लगाना है। 2 इंची के बाद इसको हम 2 इंची 1 सूता पे दाग मार लेंगे। 2 इंची 1 सूता पे दाग मारने के कारण ये जो है ये 1 सूता 2 इंची पे मारे तो ये 1 सूता बढ़ जाएगा, तो 2 इंची पे चले जाएगा ये। उसके बाद ये जो है 1.5 इंची 3.5 सूता यहाँ से 1.5 इंची 3.5 सूता हम ले लेंगे। देख लेंगे अब यहाँ इसको सीधा करना है, तो एक दाग हम यहाँ मार लेंगे 2 इंची 1 सूता और एक दाग इस मार लेंगे 2 इंची 1 सूता। ऐसे इसको सीधा में करना है, इसको यहाँ से 1.5 इंची 3 सूता मार लेना है, यहाँ पे भी 1.5 इंची 3.5 सूता को मार लेना है, लगा देंगे इसको इस तरह से, फिर लगाएंगे बटन। उसके बाद ये जो हम दाग मारे हैं इसको भी इस तरह से दाग मार लेंगे, इसको भी इस तरह से दाग मार लेना है। अब खाप मुट्ठी को हैंडल, इसको मुट्ठी भी बोला जाता है खाप मुट्ठी, इसको खाप हैंडल भी बोला जाता है, इसको हम देख लेंगे नाप के कि मेरा सही नाप आ रहा है कि नहीं। इस तरह से बैठा के देख लेना इसका लंबाई भी ठीक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेंगे हम ठीक आ रहा है, इस तरह से इसको लगा दाग मार चुके हैं। इसको क्या करेंगे इस तरह से हम कटर से इसका प्लास्टिक को हटा देंगे, इस तरह से प्लास्टिक कटिंग कर लेना है। ये फॉर्मेका कटर है, इसी से कटिंग करके इस तरह से प्लास्टिक को निकाल देना है। इसे ये बैठे इस जगह बैठेगा, इसको क्या करेंगे इसको गलाएंगे, गलाने का भी तरीका देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये आपका रूटर हो गया, ये रूटर हो गया, ये सीधा वाला बीट लगा लेना है,
इसे लिखिए ये वाला, एक इंची का बिट ले लेना है, ये जो है 300 वाला लेना है। इसके बाद ये जो मुट्ठी है खाप हैंडल इस तरह से रख लेंगे इसको। इसके बाद इस तरह से हम देख लेंगे आ रहा है उसी तरह से इस नट को लेना चाहिए। ये हो गया दोस्तों, इस नट को जाम कर देना है इस तरह से, इस नट को जाम कर देना है। रोटर से जैसे देख रहे हैं दोस्तों, इसको गला चुके हैं खाप मुट्ठी का जगह। ऐसे करने के बाद कि बहुत इजी में काम हो जाएगा था इस तरह से। अभी अब देखिए इसको किस तरह से इसको चिपकाया जाता है। ये देख रहे हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्लियर सिलिकॉन लेना है, वाइट में क्लियर सिलिकॉन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर सिलिकॉन ये वाला ले लेना है इस तरह से। इस तरह से इसमें इस तरह से लगा देना है। लगा सकते हैं इसमें जो कि शुरू से इजी काम होता है, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन से भी ये इसको चिपका सकते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन इसमें लगा देंगे। जो कि यही फ्रेम से लगाएं जो कि लगाने में आपको सिलिकॉन लगाने में ये होगा। उसके बाद सिलिकॉन लगा के ये जो बंद करना है इस मास्को टेप से इस तरह से बना लेना है, नहीं तो ये जो है सूख जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको कर देना है। हाफ मुट्ठी देख सकते हैं इसको इस तरह से, जो कि नट लगाने के बाद होता है क्या, इधर से नट लगाने के बाद दिखाई देने लगता है नट, तो देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो इसी तरह से सिलिकॉन से ये देखिए इसको चिपका दिए, ये हो गया।